नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। पितृ कार्येषु अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या, लेकिन साथ के साथ एक दिन पहले पड़ने वाली पितृ कार्येषु अमावस्या भी है, यानी पितरों के निमित्त सारे कार्य सारे विधियां करने की अमावस्या। इसका मतलब ये कि पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त आप दीपक दान कर सकते हैं, पितरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कष्टों को मुक्ति देने का ये जो रास्ता जाता है वो पितृ कार्येषु अमावस्या से जाता है। 10 तारीख को शुरू होने वाली अमावस्या तिथि 12 तारीख को यानी 10 अप्रैल से जो तिथि शुरू हो रही है अमावस्या की, 12 अप्रैल को 8:01 सुबह ही समाप्त हो जाएगी। अब सोमवती अमावस्या का जो स्नान करना है वो आपने 12 तारीख भी कर सकते हैं, इनफैक्ट 11 तारीख भी कर सकते हैं। लेकिन जो पितरों के निमित्त जो आपने एक्टिविटीज़ करने हैं, जो पितरों के निमित्त आपको दान करने हैं, वो आपको 11 तारीख को ही करने चाहिए, वो आपको 12 तारीख को नहीं करने चाहिए। अमावस्या की जब बात आ रही है तो अमावस्या की रात का महत्व होता है जब भी हम पितरों के निमित्त कुछ कार्य करते हैं। तो अमावस्या की रात का ही कुछ उपाय होंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करने हैं, किस तरीके से आपको अपने पितरों को शांत करना है। पितर अगर नाराज़ हैं, कुंडली में अगर कुछ स्थितियां अच्छी नहीं बन रही हैं, मान लीजिए आपकी जॉब है, बार 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 आपकी जॉब में उथल पुथल हो रही है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बदलनी पड़ रही है जॉब, कभी निकाले जाते हैं, कभी डिमोशन हो जाता है, यानी जॉब को लेकर के आए दिन हर कुछ महीनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक समस्या फेस करनी पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कई बार, लेकिन आपने बहुत अटेंटिव बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ध्यान दिया होता है, बट उसके बावजूद आपका नुकसान होने लगता है, तो भी कहीं ना कहीं पितृ दोष कारण हो सकता है। पति पत्नी में आए दिन डिस्प्यूट पड़े रहते हैं, आए दिन झगड़े, भाई ये बहुत अच्छा रिश्ता होता है लेकिन उसके बावजूद इस रिश्ते में कहीं जान ही नहीं होती, तो आपने कई सारी रेमेडीज़ कई सारी चीज़ें की हुई, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं पितृ दोष इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा घर के अंदर कलह रहती है, बहुत ज़्यादा क्लेश पड़ा रहता है, बेवजह का तनाव, घर आते हैं ऐसा लगता है तांडव का घर बना हुआ है, लड़ाई झगड़े फाइट तोड़ फोड़ चीज़ें इधर अस्त व्यस्त, कोई इधर रूठ के बैठा है, कोई उधर उठ के बैठा है, छत एक है लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे घर बन चुके हैं वहाँ पे। अगर ऐसी सिचुएशन है, इकट्ठे मिलकर भी नहीं बैठना चाहते, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक ही घर में रहना है, लेकिन इस कंडीशन में रहते हैं, तो भी यकीन मानिए कहीं ना कहीं पितृ दोष इसके पीछे कारण हो सकता है। सोमवती अमावस्या बहुत इम्पॉर्टेंट अमावस्या होती है और कुंभ के स्नान की कहा जाता है, जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो ये अति उत्तम अमावस्या होती है, और ये अमावस्या 10 तारीख से जैसे हमने आपको कहा कि शुरू होकर के 11 तारीख की भी अमावस्या है और 12 तारीख की सुबह तक अमावस्या है, तो आपने 11 तारीख को ही पितरों के निमित्त जो है वो कार्य करने हैं। एक तो आपने स्नान ज़रूर करना है उस दिन पवित्र नदियों का, क्योंकि पवित्र नदियों के स्नान करने से आपकी देह की शुद्धि होती है, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है। जानवरों को आपको दाना उस दिन ज़रूर खिलाना चाहिए जिस दिन पितृ कार्येषु अमावस्या यानी 11 अप्रैल की, आपको दान ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान देना चाहिए, जितनी आपकी श्रद्धा है जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, चाहे आप वस्त्र दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए, पके हुए अन्न का दान दीजिए। हाँ, एक ध्यान रखिए, अगर आप पके हुए अन्न का दान दे रहे हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन ही होना चाहिए और बहुत स्वच्छता से बनाया हुआ भोजन होना चाहिए। फिर आती है कि पूर्वजों के प्रति अपना आदर भाव ज़रूर रखें, अपना सम्मान ज़रूर व्यक्त करें, और ख़ास करके आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपने ज़रूर करना है, जिससे पितर बहुत खुश होते हैं, बहुत शांत होते हैं, लेकिन उससे पहले श्रद्धा की ज़रूरत ज़रूर होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत वर्किंग होने के कारण स्ट्रेस में होते हैं, अरे यार मुझे नहीं अन्न बना करके देना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि आपका ये जो दान देने जा रहे हैं
तो ये दिखावा नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ दिखावे की तरफ चला जाएगा। अगर आपने कुछ देना ही है तो क्यों ना बहुत श्रद्धा भाव से दीजिए, या फिर छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए, प्रणाम कर लीजिए उन्हें, वो प्रणाम से भी मान जाएंगे। लेकिन ये समय ऐसे होते हैं जब अगर आप इस तरीके की विदाओं को करते हैं, इस तरीके की क्रियाओं को करते हैं, तो यहाँ पूर्वज हमारे ये ज़रूर आशीर्वाद देते हैं कि हम उन्हें कहीं ना कहीं याद करते हैं। वो आज भी हमारे घर का, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। तो ऐसे में उन्हें बहुत सांत्वना मिलती है इस चीज़ से, बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आखिर वो अपने ही तो थे जो आज हमसे दूर हैं। तो इसीलिए उन्हें मनाने की कोई भी आप मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। और अमावस्या की तिथि खास करके बहुत उत्तम होती है, हर अमावस्या ही बहुत उत्तम होती है। पितृकार्येषु अमावस्या, जो कुंभ के स्नान में पड़ने वाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या से पहले पड़ रहा है, जो इसका तिथि पड़ रही है, उसमें तो खास करके सारे समाधान आपको मिल सकते हैं। एक चार मुखी दिया लीजिएगा, चार मुखी दिया, चार बत्तियां लगा करके, और उसमें आपने सरसों का तेल भर लेना है। दान ले लीजिए, यानी गेहूं ले सकते हैं, जो फुलियां होती हैं वो ले सकते हैं। वो लेकर के आप पीपल के नीचे जा करके पहले एक ढेरी बनाइएगा और उसके ऊपर चार मुख वाला दीपक रख दीजिए। ये कार्य सूर्य अस्त के बाद ही कीजिएगा, और उसके बाद चारों दीपक जला देने हैं। लेकिन जो पहला दीपक जलाना है, जो पहला मुख जलाना है अपने दीपक का, वो जलाना है आपको दक्षिण दिशा वाला, यानी साउथ डायरेक्शन का। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपने चूक नहीं करनी है, क्योंकि पितरों की दिशा मानी जाती है ये, और वो साक्षात पूर्वजों को सीधा ये दीपक का जो भी आप दान करते हैं वो पूरा उन तक पहुँचता है, और कष्ट आपके जीवन से भी दूर होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पहला दीपक आपने दक्षिण मुखी जलाना है, यानी दक्षिण की तरफ का पहला दीपक जलाना है, और इसके बाद आपने पूरा क्लॉकवाइज सारे दीपक जला देने हैं। सारे दीपक जलाने के बाद आप पितरों के निमित्त हाथ जोड़ करके बहुत ही श्रद्धा से प्रणाम कीजिएगा, जो हमसे भूल चूक हुई है, किसी तरीके से भी अगर हमने आपको सताया है, आपके दिल को तकलीफ़ दीजिए है, तो आप हमें क्षमा दीजिए, हमारे सारे परिवार को सुख सुविधाएं दीजिए और उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। यकीन मानिए, पितर इतनी जल्दी मान जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और आप उठिए, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं देखना है, सीधे आपने अपने घर की तरफ आ जाना है। बहुत ही उत्तम फल मिलता है इस समय ऐसी विधि करने से, यकीन मानिए आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, पर्सनली अपनी कुंडली दिखानी है, पर्सनली हम कह रहे हैं कि निजी तौर पर अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी है, तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और इंडिविजुअली कुंडली अपनी दिखा सकते हैं। ऑन फोन कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है, तो आप ऑन फोन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।